गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी महेंद्रगढ़ पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स। हम सेशन को शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइएगा। दिनेश, अजय, रोहिला, सुनील कुमार, मोहित, मधुबाला, सतेंद्र, सूरज यादव जी, गुड मॉर्निंग सभी को बहुत बहुत। डियर स्टूडेंट, जल्दी से जुड़िए ताकि हम आज का जो वीडियो है हमारा उसको स्टार्ट कर सकें और आप सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़ सकें। हाँ, ज़बरदस्त बैटिंग होने जा रही है आज। हम पिच पे बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे। साक्षी भारद्वाज, अमित यादव, भारती, रोशन, सीमा, नितेश, सपना, बबली, सभी को वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं दुष्यंत कुमार, अभिषेक जांगड़ा, मनीष यादव, सभी को गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हम आज का सेशन। और जैसे कि आपको पता है, हमारी परंपरा है कि हम दो लाइनों से शुरुआत करते हैं और वो दो लाइन आज किस मैटर पे हैं, मैं बोलूँगा और आज लाइव चैट यहीं से शुरू होगी और आप मुझे बताएंगे चैटिंग में कि किस पर बोल रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और हमारी तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ हमारे अपनों को हम पर विश्वास नहीं था। जी हाँ, हम शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर डियर स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के साथ। हाल ही में यूपी के किस कुख्यात, आपने लाइव चैट में बताया नहीं, कानपुर कांड, बिल्कुल सही बात है, ये अमित यादव ने सबसे पहले जवाब दिया है। कोरोना के ऊपर नहीं है, कोरोना में हमारी कश्ती जो डूब रही है, ठीक है, कानपुर कांड के ऊपर, बिल्कुल सही पकड़े आप सभी। तो यूपी के किस कुख्यात हिस्ट्री सीटर अपराधी के घर पर बुलडोजर चला है। तो डियर स्टूडेंट्स, विकास दुबे, जी हाँ, विकास दुबे, पूरे हिंदुस्तान में शख्स की चर्चा है। और एक डाकू को हमने हीरो बना दिया है। हम तो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जीके में पर्सन बन सकता है, लेकिन बाकी देश की मीडिया ने इसको इतनी कवरेज दी है कि शायद लोग मुख्यमंत्री का नाम कम जाने इस प्रदेश के, लेकिन विकास दुबे का नाम सब जाने लग गए। तो कवरेज देना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ठीक नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है। 8 बेगुना पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया है इसके साथियों ने। डियर स्टूडेंट्स, अब ये है कहाँ से, इसका सिस्टम सुनिएगा और समझिएगा बात को। बिकरू गाँव है चौबेपुर के नज़दीक, बिकरू गाँव है। और बिकरू गांव कहाँ है, चौबेपुर के पास। और चौबेपुर कहाँ है, कानपुर के पास। और कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में डियर स्टूडेंट। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में चौबेपुर के पास बिकरू गांव की घटना है डियर स्टूडेंट्स। वहाँ पर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी और उन्हीं के साथियों ने, डियर स्टूडेंट्स, सर पंचनीशु यादव कह रहे हैं पंचायत के इलेक्शन भी जीत गया, कैसे हो सकता है सर, हो सकता है अभी भी इस देश में, क्योंकि कानून में हमारे बहुत पेचीदा ढीले हैं। जेल में बैठे अपराधी नेता और मिनिस्टर तक का चुनाव जीत जाते हैं, एमएलए चुन के और मिनिस्टर तक बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, तो हम बात कर रहे थे, बड़ा प्रभावशाली आदमी था, एक कुख्यात व्यक्ति को जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, अभी भी राजनीति में अपराधीकरण है। डियर स्टूडेंट, जितने संसद में बैठे हैं वो 45% से ज्यादा लोग तो क्रिमिनल हैं, उनकी हिस्ट्री क्रिमिनल है। और इस बात में दोषी कोई नहीं है, हम सब हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जिनकी हिस्ट्री क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, और वही संसद में बैठते, वही हमारी विधानसभाओं में बैठते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रभाव भी राजनीति बहुत था। सरकारें किसी की भी रही हो, किसी ने इस पर हाथ डालने की जरूरत नहीं की। और जब पुलिस पार्टी इसको पकड़ने गई तो कुछ पुलिस वालों ने विश्वासघात कर दिया और सूचना विकास दुबे को दे दी और जेसीबी रोक के AK-47 जैसे घातक हथियारों से पुलिस वालों पर हमला किया, जिसमें 8 पुलिस जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो घटना देश में है, अभी तक फरार है, पकड़ा नहीं गया है विकास दुबे। ठीक है सर, आप कोरोना के ऊपर बता रहे थे कुछ। हाँ, पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया था, करेंगे, अभी आएंगे पटरी पे, अभी तो काम शुरू है, पार्टी शुरू है। डियर स्टूडेंट सुनिएगा,
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री सैनिकों से मिलने किस पोस्ट पर पहुंचे? बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है करंट अफेयर का, उस पोस्ट का नाम है नीमू। नींबू नहीं डियर स्टूडेंट, नीमू पोस्ट है हमारे चाइना के बाउंड्री के साथ LAC से जस्ट पीछे की तरफ। और नीमू कहाँ पड़ता है डियर स्टूडेंट? तो लेह में पड़ता है। और आपको पता है कि लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं डियर स्टूडेंट, केंद्र शासित प्रदेश। कब बना? 31 अक्टूबर को। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और डियर स्टूडेंट्स पर्सन आता है नीमू लेह में। मोदी जी, भारतीय सेना जो चाइना से झड़प में हमारे सैनिक घायल हुए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बात कह रहे हैं। 10,000 फीट की हाइट पर वो गए थे। सर इनको जेल होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके फर्स्ट जेल नहीं, ऐसे लोगों को तो हैंग होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, लद्दाख की बात हम सब कर रहे थे। तो पहला प्रश्न तो एक ये बनता है कि वहाँ पर उनके साथ कौन कौन गए? हमारे थल सेना अध्यक्ष आदरणीय नरवणे जी, जी हाँ, थल सेना अध्यक्ष नरवणे। दूसरे हमारे सीडीएस बोले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और कौन है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस कौन है, जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा। सोमलता ने सबसे पहले बताया है विपिन रावत जी, जो पहले थल सेना के अध्यक्ष भी रहे थे और अब हिंदुस्तान के पहले सीडीएस बने हैं। जी हिंदुस्तान के पहले सीडीएस कौन? विपिन रावत जी। तो रावत जी भी मोदी जी के साथ थे और मोदी जी ने जाके कहा हमारे भारतीय सैनिकों से कि आपका जो हौसला है वो हिमालय की चोटियों से ऊंचा है। और बिना नाम लिए विस्तारवादी देश को चेतावनी दी है। अब आप पूछेंगे और मन में सवाल आएगा कि सर ये विस्तारवादी देश कौन सा है? वो देश जो दूसरों की सीमाओं का अतिक्रमण करके अपने सीमा बढ़ाए, उसको विस्तारवादी कहते हैं। अब ताइवान क्या, अब हांगकांग क्या, और अब तिब्बत क्या, और सब पे अपनी विस्तारवादी नीति फैला रहा है चाइना। तो हमने कह दिया कि ये तिब्बत, ताइवान और हांगकांग नहीं है, ये इंडिया है और 1962 का इंडिया नहीं है। अब काफ़ी हम बदले हैं और उनको टक्कर देने में हम बिल्कुल समर्थ हैं, समर्थ रखते हैं। और मोदी जी ने चाइना की तरफ इशारा किया। और एक अच्छी बात ये है कि अभी आजकल की जो न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल जी और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच बातचीत हुई है और चाइना सेना पीछे हट गई है डियर स्टूडेंट। जी हाँ, 2 किलोमीटर लगभग दोनों के बीच आमसी सहमति हुई आपसी। भारतीय सेना भी पीछे हटी है और चाइना की जो सेना, हाल ही में खबर है 2-3 पोस्टों पे, खासकर डोगरा पोस्ट और ये अपनी जहाँ गलवान घाटी थी उसके पास से 2 किलोमीटर चाइना की फोर्स पीछे हट गई है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, मुझे जल्दी से बताइए लद्दाख के गवर्नर कौन है, प्रशासक कौन है लद्दाख के, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, चाइना गलवान घाटी से पीछे हट गई है, नीतीशा कह रहे हैं बिल्कुल चाइनीज सेना घटी है। लेकिन हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये चाइना एक ड्रैगन है, पता नहीं कब फूंकार मार दे, तो विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास ट्रस्ट की काबिल नहीं है ये कंट्री। मुर्मू कह रहे हैं गलत है नीशु यादव जी। अमित यादव कह रहे हैं आर.के. माथुर, तो बिल्कुल सही जवाब है। जो मुर्मू हैं वो जम्मू कश्मीर के प्रशासक हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं और लद्दाख के प्रशासक और गवर्नर हैं। बिल्कुल राइट है आर.के. माथुर जी। जी हाँ, आर.के. माथुर। कपिल देव हरमिंदर कह रहे हैं, हरमिंदर नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आर.के. माथुर जी हैं वहाँ के फिलहाल प्रशासक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेगा, बात को समझिएगा। ये जो बात नीमू है, नीमू लेक की बात चल रही है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी के पास पड़ता है, आपका प्रश्न बनता है। तो आंसर आएगा जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। नीमू जो पोस्ट है जहां LAC है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के पास है? बिल्कुल आंसर आएगा आपका जास्कर पर्वत श्रेणी के पास है डियर स्टूडेंट। और हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा और बात को समझिएगा। हाँ, यहां पर जो है डियर स्टूडेंट, एक रोड बन रही थी भारतीय सेना। देखो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है 2-3 रोड जिनमें से एक प्रमुख रोड है दौलत बेग ओल्डी। ध्यान से सुना, दौलत बेग ओल्डी।
अपना जो कराकोरम दर्रा है वहां से लेके एलएसी तक एक रोड बनाया जा रहा था, जिस दौलत बेग ओल्डी से लेके, ये रोड चाइना नहीं चाहता कि निर्माण कार्य पूरा हो, इसलिए डियर स्टूडेंट बीआरओ बना रहे बिल्कुल हमारा, इसलिए डियर स्टूडेंट से झड़प वहां पे भारतीय और चाइना के सैनिकों के बीच हुई। 15 जून को झड़प हुई थी, उसके बाद लगातार सीमा पर गतिरोध उत्पन्न हो गया था और अब पीछे हटाए चाइना 2 किलोमीटर, ये हमारे भारतीय सेना के हौसले की जीत है। अब आगे बढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे पास, किस हाल ही में सुपर डेन के नाम से चर्चित किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है, उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है डियर स्टूडेंट लिन डेन। जी हाँ, उसका नाम है डियर स्टूडेंट लिन डेन है। अब क्वेश्चन बनता है ये लिन डेन किस खेल से संबंधित है, तो आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है बैडमिंटन। जी हाँ, पहला तो आंसर ये होगा लिन डेन किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर आ गया बैडमिंटन से, खेल से। दूसरा आता है ये किस देश का खिलाड़ी है, बिल्कुल योगेश ने सही जवाब दिया है चाइना, बिल्कुल चाइना, तो चाइना का खिलाड़ी है। हालांकि आजकल नाम लिखने में मजा तो नहीं आ रहा इस देश का, क्या करें गतिरोध है, लेकिन अब जीके का प्रश्न बताना तो पड़ेगा और खिलाड़ी इन चीजों से अलग है। तो चाइना का खिलाड़ी है और इसने संन्यास ले लिया है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक रहा है ये, आपको जान के हैरत होगी डियर स्टूडेंट, इसने सुपर ग्रैंड स्लैम जीतने वाला दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी है। सुपर ग्रैंड स्लैम, ध्यान से सुनिएगा, सुपर ग्रैंड स्लम क्या होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, जो क्वेश्चन हो चुके दोनों मैं मिटा देता हूं, देखिएगा सुपर ग्रैंड स्लम। तो ये जो है अवार्ड है सुपर ग्रैंड स्लैम, ये कब मिलता है, जब 9 मेजर टाइटल किसी गेम में खिलाड़ी जीतता है। बैडमिंटन में चंद्रकांता चाइना कह रहे हैं, संदीप, सोमलता, सभी तरुण, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो ये कब मिलता है, जब 9 आप टाइटल जीतते हैं बड़े बड़े, तब जाके आपको उपाधि मिलती है सुपर ग्रैंड स्लैम की, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है 20 साल तक इन्होंने खेले और 2008 और 12 में ओलंपिक में गोल्ड भी जीता, 2008 के ओलंपिक जो खुद चाइना में हुआ, 2012 जो लंदन में ओलंपिक खेल हुए उनके अंदर इसने गोल्ड जीता था लगातार 2 बार, ठीक है, बड़े महान प्लेयर हैं। संन्यास क्यों ले लिया, बोले मैं फिजिकल रूप से फिट नहीं हूँ, दूसरी बात मैं अपने परिवार को समय देना चाहता हूँ, बहुत हो गया खेल। अच्छी सोच है इनकी, जब उसको लगता है कि आदमी अपना 100% नहीं दे रहा तो उसको संन्यास ले लेना चाहिए, जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं बहुत थकान में हूँ और मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा 133 साल के बाद, अभी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे खिलाड़ियों में थोड़ी दिक्कत है, ये उम्र भर खेलना ही चाहते हैं, संन्यास नहीं लेंगे। सचिन तेंदुलकर देखो 22 साल में जाके संन्यास लिया, महेंद्र सिंह धोनी भी तैयार नहीं है संन्यास लेने के लिए। डियर स्टूडेंट, ये लंबा खेलना चाहते हैं। विदेशों के खिलाड़ियों की मानसिकता ये होती है डियर स्टूडेंट कि वो जब तक खेलते हैं, जब उनका दिल और उनका शरीर उनका साथ देता है, लगता है कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तो जल्दी उम्र में चाहे 10 साल का करियर हो, 5 साल का करियर हो, रिटायर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिन डेन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, सुपर ड्रेन, क्वेश्चन आएगा सुपर ड्रेन के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी का निधन हो गया, संन्यास ले लिया, तो आप जानते हैं लिन डेन चाइना की। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा, ध्यान से सुनेगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर राजनीतिक उथल पुथल है, कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी दूर भाग रहे हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। विकास सिलारपुर, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, तो मजे की बात बताता हूँ, नेपाल, अब नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है ये प्रश्न आपको पता है, केपी शर्मा ओली, जी हाँ केपी ओली, जिन पर चाइना का कुछ ज्यादा ही भूत सवार है, केपी ओली। अब पता नहीं इसने कौन सी पीली गोली, यानी केपी ओली, के का मतलब के, देसी में समझा रहा हूं, पी का मतलब पीली और ओली का मतलब कोई गोली, तो इसने कोई चाइना की दी हुई केपी ओली ने, इस ओली ने कोई गोली पीली और ये चाइना का भगत हो गया है डियर स्टूडेंट, और भारत की तरफ रिश्ता तोड़ रहा है, जबकि नेपाल हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है, माता सीता प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी, जिनकी शादी प्रभु श्री राम की नेपाल की हुई, सासरे के लोग इस तरह से हमें व्यथित करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब ध्यान से सुनेगा, केपी ओली
और दूसरे हैं पुष्प कमल धैल प्रचंड। ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी समझ में आएगी। पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है जी, ये दो आदमी थे, दोनों की अलग अलग पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां। अब इन दोनों ने समझौता किया और देखो दोनों पार्टी एक हो गई, बड़ी पार्टी थी नेपाल की दोनों। सोचिए भारत में कांग्रेस और भाजपा एक हो जाए, कितनी बड़ी बात हो जाए, है कि नहीं, रोला ही मिट जाए सारा। तो इसी तरह ओली की पार्टी पुष्प कमल दहल प्रचंड, प्रचंड भी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और अभी फिलहाल कौन है, केपी ओली हैं। दोनों मिलकर एक समझौता किया, ध्यान से सुनिएगा, समझौता क्या हुआ, बोला भाई एक मिक्स करके पार्टी बनाएंगे, मिक्स करके इन दोनों ने पार्टी बनाई एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। देखिएगा एनसीपी पार्टी बनाई इन्होंने, एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और बोले भैया ढाई साल तू और ढाई साल मैं, यानी दोनों मिलके कितना कितना प्रधानमंत्री रहेंगे, ढाई ढाई साल, ढाई साल मैं बनूंगा, ढाई साल तू। तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूँ, जब भी कभी ऐसा समझौता हो, हमारे राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्रियों को लेकर होता है, याद दे राज तू करना, आज दे समय तक राजनीति मैं करूंगा, वो कभी भी रियलिटी खरी नहीं उतरती। क्योंकि ढाई साल जब आदमी गद्दी पे बैठ लेता ना तो दिल नहीं करता, सत्ता का सुरूर चढ़ जाता है डियर स्टूडेंट, और दिल नहीं करता है कि मैं उतरूं गद्दी से। हाँ जी सर, इसकी कुर्सी गिरने वाली है, ठीक है, इंडिया है तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल है। इसके पीछे वो खुद कह रहे केपी ओली कि भारत मुझे मेरे पद से हटाना चाहता है। भैया हम तो चाहते हैं जो भी हमारे खिलाफ बोले वो सब हट जाए, हम तो यही चाहते हैं कि चाइना का राष्ट्रपति भी शी जिनपिंग भी बदल जाए, और हम इसके लिए कुछ नहीं करते। सच्ची बात है, हम कोई घुसपैठ, कोई किसी को भड़काते नहीं, हम तो भगवान शंकर का 16 सोमवार श्रावण के महीने में करते हैं और भगवान बजरंग बली की जय बोलते, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बस काम हो जाता है हमारा। तो सुनिएगा, अभी दोनों के बीच खटास हो गई, दहल साहब चाहते पुष्प कमल प्रचंड कहते हैं कि हट जाए केपी ओली, कुर्सी जाते जाते बची है। संसद का वहां पे नेपाली संसद का अधिवेशन चल रहा था, उसने अधिवेशन भंग कर दिया राष्ट्रपति कहने से। अब क्वेश्चन बनता नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, ध्यान से सुनिएगा, तो नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या भंडारी, विद्या भंडारी जी, ठीक है। भंडारी से कह के अधिवेशन रद्द कर दिया ताकि इसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव ना लाया जा सके, बड़ा सयाना आदमी केपी ओली। तीन पुराने प्रधानमंत्री माधव कुमार, झालानाथ, देखिएगा अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो झाला पुष्प माधव, झाला पुष्प और माधव, माधव पुष्प कमल और झालानाथ, तीनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। डियर स्टूडेंट मैं यहां से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा नेपाल में अंतिम राजा कौन था, नेपाल का अंतिम सम्राट कौन था। जैकपॉट क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे लाइव चैट में बताइए नेपाल का अंतिम राजा कौन था, देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले बताता है नेपाल का अंतिम राजा, जल्दी से बताइएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं उनका, ध्यान से सुनिएगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल राइट जवाब, अमित यादव का, नेपाल के अंतिम राजा, नेपाल में पहले राजतंत्र था। डियर स्टूडेंट्स नेपाल में पहले राजतंत्र था और अब नेपाल में क्या है, लोकतंत्र है। तो अंतिम राजा जिसको उसके पद से हटा के वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की गई, ज्ञानेंद्र शाह जी, हाँ ज्ञानेंद्र जी महाराज जी थे। नेपाल के अंतिम राजा कौन थे, ज्ञानेंद्र विक्रम, यहाँ ज्ञानेंद्र विक्रम शाह। अब आगे बढ़ता हूँ, 2008 में अंतिम राजा था, इनको पद से हटा के और नेपाल में नया संविधान बना के और लोकतंत्र की स्थापना की गई। डियर स्टूडेंट्स जी हाँ, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव, बड़ा लंबा नाम है, हम शॉर्ट में कर लेते ज्ञानेंद्र। अब आगे बढ़ता हूँ, ये क्यों रहा है, क्योंकि केपी ओली भारत का बहुत जबरदस्त विरोध कर रहा है और भारत की सीमा को अपनी सीमा बता के संसद में नक्शा भी पास करवा रहा है। भैया जो हमारे पास रहेगा ना ऐसा जाएगा, ओली साहब संकट में आ गई, प्रधानी पद भी जाता दिख रहा है, चाइना भी मदद नहीं कर रहा और भारत से भी बुरे बन गए, इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, भाई इधर भारत आ नहीं सकता, इधर चाइना और उधर कुर्सी जा रही है चाइना के पक्ष में जाने से और भारत के विरोध में जाने से। अब ये यहाँ पे खड़ा है ओली, और ओली नू बोली, नू बोला ये
बहुत पुराना ध्यान है मेरे, एक गजल सी थी कि मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं ये फैसला, कि मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं ये फैसला, एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा। तो हालत ख़राब हो गई है। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पूरे अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इन सभी से मेरा आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस घंटी को जरूर बजाएं। हाँ, घंटी दबानी बहुत जरूरी है। 100 से ऊपर वॉचिंग चल रहे हैं स्टूडेंट्स, 68 स्टूडेंट्स ने भी लाइक किया है। ये फटाफट लाइक का खाना पूरा करें और पोस्ट को खूब शेयर करें जितने हमारे पास ग्रुप है, ताकि सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा हो और आप भी शतक से ऊपर चलते रहें। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में बॉलीवुड की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आने वाले एग्जाम के लिए, वो किसी का भी एग्जाम हो इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। बॉलीवुड की किस मशहूर कोरियोग्राफर की मृत्यु हो गई है? सरोज खान। जी हाँ, सरोज खान की डियर स्टूडेंट्स मौत हो गई है। बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर थी सरोज खान। और मैं आपको बता दूँ कि इसका असली नाम क्या था, सरोज खान का असली नाम क्या था, देखते हैं कौन स्टूडेंट्स हमें बताएगा। जैकपॉट नहीं है वैसे बताइए, सरोज खान का असली नाम। डेथ हो गई बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1948, बिल्कुल मुंबई, आज़ादी के एक साल बाद इनका जन्म हुआ था। निर्मला नागपाल, सत्येंद्र यादव ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उसके बाद नीलम उजाला ने भी सही जवाब दिया है। इसका असली नाम था, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल राइट बताया इन्होंने, उनका सही नाम था निर्मला। जी हाँ, सरोज खान का निर्मला नागपाल, निर्मला नागपाल नाम था। सुनिएगा, बचपन में पहले इनके माता पिता पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ से आए यहाँ पे, और क्वेश्चन बनता है 71 साल में इनकी मृत्यु हो गई, ये किस नाम से और जानी जाती थी? मदर ऑफ डांस और मास्टर जी, मदर ऑफ डांस और मास्टर जी के नाम से जाना जाता था। बड़ी बड़ी हीरोइंस को इन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया था सरोज खान ने, बड़ी बड़ी हीरोइंस को। जी हाँ, इनको मदर ऑफ डांस, मदर ऑफ डांस और मास्टर जी, मास्टर जी मतलब ये नहीं कि हमारी तरह कोई क्लास लेती थी, ये डांस की क्लास लेती थी, कोरियोग्राफी करवाती थी डांसर से। तो डियर स्टूडेंट्स, मदर ऑफ डांस के नाम से मशहूर किस कोरियोग्राफर का निधन हो गया? तो आपका आंसर आएगा, जी हाँ, सरोज खान का निधन हो गया, जिसका नागपाल भी नाम था। दूसरा पर्सन माधुरी दीक्षित, भैया ये कुछ लगा लो, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सबको डांस करना सिखाया। ये कब उभरी? उभरी कब, ये ध्यान रखना, जब गाना आया था 1 2 3 11 12 13 13 करो गिन गिन इंतजार राजा पियाई बहार, जब ये गाना आया था माधुरी दीक्षित का, तेजाब फिल्म का ये गाना था और इसको कोरियोग्राफर डांस किया था ये सरोज खान ने, और माधुरी भी फेमस हो गई थी और सरोज खान भी फेमस हो गई थी। बहुत ज़बरदस्त ये डांसर थी और ट्रेनर थी और कोरियोग्राफर थी। डोला रे डोला मंडोला रे, ये सब डांस गाने जो है ना इन्होंने करवाए थे। अंतिम कोरियोग्राफी इन्होंने की थी कलंक फिल्म में माधुरी के लिए, हाँ 2019 में कलंक फिल्म में माधुरी के लिए किया था। अब आगे बढ़ता हूँ, असली नाम था निर्मला नागपाल, इनकी मौत हो गई है मुंबई के अंदर, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट पर्सन डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे पास। ज्योति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिएगा, कलंक, जस आरती कुमारी कह रही है कलंक मूवी थी, बिल्कुल कलंक मूवी थी डियर स्टूडेंट्स माधुरी की। 15 अगस्त को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी में कौन सा देश है? बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहा है ये, लगातार इस पर चर्चाएं चल रही हैं डियर स्टूडेंट्स। 15 अगस्त को क्या होगा? कहते हैं कि जब मोदी जी लाल किले से बोलेंगे मित्रों बहनों भाइयों, तो ये कह सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है, ये कह सकते हैं मोदी जी। यो लोग लगे हुए, कौन कौन लगा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ICMR, अब हम जानेंगे डियर स्टूडेंट ये ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR क्या है डियर स्टूडेंट? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसने कहा है सब तेजी लाए कोरोना की जो दवाएं वैक्सीन उनके परीक्षण में, और डियर स्टूडेंट दो कंपनियां लगी हुई हैं, एक तो आपको पता हैदराबाद की भारत बायोटेक, ध्यान से सुनना, भारत बायोटेक किसकी कंपनी है, किस शहर में है इसका हेड ऑफिस? हैदराबाद।
एक तो ये कंपनी लगी हुई है, स्वदेशी रहेगी, भारतीय कंपनी बना रही है। रामदेव वाली तो दवाई पता नहीं बाबा जी वहाँ पर कहाँ गायब हो गई, उस पर तो क्या रोक लगा दी, दवाई वो भी आने देती, फायदा होना चाहिए लोगों को। हम तो कहते इस देश को दुनिया को फायदा होना चाहिए। और दूसरी जो है डियर स्टूडेंट्स, एक और कंपनी है, जी हाँ, वो है जॉयडुस कैडिला। जी हाँ, जॉयडुस कैडिला एक ये कंपनी है। तो ये दोनों लगी हुई हैं और कह रहे हैं जानवरों पर जो परीक्षण था वो तो 100% सफल हो चुका है, अब इंसानों पे। अच्छा, ये जो अपनी कैडिला है, जायडस कैडिला जो कंपनी है, ये डीएस सुना अहमदाबाद। तो भैया एक हैदराबाद और एक अहमदाबाद, दोनों के बीच के लास्ट में बाद, और देखते हैं 15 अगस्त के बाद क्या होता है, क्या दवाई बन पाती है या नहीं। बैन हटा लिया रामदेव की कॉर्निल पर मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं हुई है, जल्दी हो जाएगी। क्लियर, भारत बायोटेक, हैदराबाद कैडिला, अहमदाबाद आईसीएमआर के निर्देशन में दोनों तैयार कर रहे हैं दवाइयाँ। देखते हैं कब तक ये हो पाती है, 15 अगस्त को मोदी जी इसकी घोषणा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखते हैं। अगला प्रश्न डियर स्टूडेंट, हरियाणा से, देखिएगा लिखा हुआ खत्म हो गया, मैं लिखता जाऊँगा इसकी PDF आज शाम तक या कल मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग तक 100% आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको उसमें डिटेल से प्रिंट हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी जल्दी आ जाएगी, उससे पूछ रहे हैं क्यों तुम लेट चाहते हो क्या डियर स्टूडेंट, जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी हम और आप फेस टू फेस मिलेंगे, देश में संकट खत्म होगा। और संकट तो मैं बताऊं भाई कैसे खत्म होगा, ये मजाक में बता रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। कभी कह दो अमित शाह ने बताया था और ये इलाज है, कर दो सारे देश में, कभी मेरे नाम के पोस्टर छपवा दो, तुम ध्यान से सुनना भाई, इलाज ये है, दो बातें कर दो, ध्यान से सुनना, बड़े मजे की बात है, सुनना सब, यहाँ सब एकदम से एकाग्रचित हो जाओ, कोरोना से बचाव के उपाय बता रहा हूँ, मजाक का विषय है, गंभीर विषय मत लेना। तो भाई विषय ये है, नंबर एक, जो देश में टेस्टिंग हो रहे हैं वो कुछ समय के लिए बंद कर देने चाहिए। जी हाँ, कोरोना का कोई टेस्ट करो ही मत, कोई कोरोना का टेस्ट मत करो, किसी को नहीं पता चलेगा किसको है किसको नहीं है। दूसरा, जो हमारी मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये इससे संबंधित कोई रिपोर्ट दिखाने बंद कर दें, फिर देखना अब क्या होगा, ये होगा 1, 2, 3 बदली कर जैसे थे, और ये देश वैसा ही हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा किसको कोरोना है, और ये होके चला भी जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा ना, कोई आंकड़े 6 लाख हो गए, 7 लाख हो गए, रोज यार हार्ट बीट बढ़ा देते हैं दिल की, समझ में आ रही है मेरी बात, और लोगों के बीच खौफ भी खत्म हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कोरोना था या नहीं था। छोटे बच्चे, स्कूलों वाले नहीं चाहते सर, छोटे बच्चों को रहने दो, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनके बच्चे हैं डियर स्टूडेंट्स। हाँ, हमारे पास बहुत बड़े बड़े बच्चे आते हैं, खुशी कह रहे हैं कि सर आपको देखे बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है, मैं रोज तो लाइव आपके सामने आ रहा हूँ, हैं गौर से देखो बेटा, हम देखने के आइटम है, जोर से देखो, मजाक कर रहा हूँ बेटा जी, तो इस तरह हो सकता है। अच्छा, मजे की बात बताऊंगा, अगली WHO ने भी, हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल WHO ने एक नई रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट क्या बाद में बताऊंगा, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेगा। हरियाणा में 2020 तक बन जाएंगी 1000 पार्क और व्यायामशालाएं, आदि तैयार हो गई, मुख्यमंत्री सब ने मिलके उनको सौंप भी दिया, व्यायामशालाएं तैयार की जा रही है हरियाणा में। कितनी व्यायामशालाएं तैयार कर रही है हरियाणा सरकार, 1000। जी हरियाणा जी के प्रश्न है 1000। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में साइकिलिंग की इंडोर रेस में दुनिया में तीसरा स्थान किस भारतीय का आया है। साइकिलिंग, देखो साइकिलिंग जो गेम है, ध्यान से सुनना। हाँ सत्येंद्र कह जाते दिमाग तो मीडिया ने खराब कर दिया, तो मीडिया के पास कुछ दिखाने को भी नहीं है, कुछ तो दिखाएगा ना बेचारा मीडिया भी, अब और कोई बड़ी खबर भी नहीं होती है, जो बस्ती हूँ मैं करंट अफेयर में दिखा देता हूँ, तो मीडिया क्या दिखाएगी बताइए, सुनिएगा मेरी बात को। हाल ही में साइकिलिंग की इंडोर रेस में, ध्यान से सुनना बेटा, साइकिलिंग इंडोर रेस में पूरी दुनिया में तीसरा नंबर आया है एक भारतीय का, और उसका नाम है कर्नल भारत पन्नू। जी हाँ, कर्नल भारत पन्नू नाम है उसका, कर्नल भारत। अब जिसके नाम में भारत आ गया, सीधी बात है भाई, जीतते तो गाई, कर्नल भारत पन्नू,
तापसी पन्नू के घरों में नहीं है ये, ये ध्यान रखना। तापसी पन्नू अभिनेत्री है बड़ी ज़बरदस्त, ये अलग है। तो कर्नल भारत जो पन्नू है इसने तीसरा स्थान जीता है। और मज़े की बात है ये हमारे रोहतक से है, और भाई रोहतक का है हरियाणा में। स्पोर्ट्स में तो जो भी नाम आए भाई 90% हरियाणा वालों का ही आता है। जी हाँ, तो इन्होंने कैसे जीता है, क्या जीता है, सुनिएगा भैया। 4000 लगभग 86 किलोमीटर रेस थी, 4086 किलोमीटर लगभग रेस थी, वो पूरी की है इंडोर हिसाब से। इससे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी चक्कर मार चुके हैं, लंबी लंबी 3-4 हज़ार किलोमीटर की साइकिलिंग करते हैं, और भाई 5-6 दिन में ही पूरी कर देते हैं भैया, बहुत जल्दी पूरी करते हैं। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, साइकिलिंग किस मशहूर साइकिलिस्ट को जिसको 7 गोल्ड मेडल मिले थे और बाद में वो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ड्रग्स लिया था और डोपिंग की थी उन्होंने, उसका नाम आपको बताना है। वो अमेरिका के थे, उस मशहूर साइकिलिस्ट का नाम बताइए। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा लाइव चैट में, जल्दी से बताइए उस मशहूर साइकिलिस्ट का नाम। नीतिशा, वर्चुअल रेस थी, बिल्कुल ठीक है, बाहर नहीं गए, बाहर वाले तो कन्याकुमारी कश्मीर था, ये तो घर के अंदर अंदर साइकिल चलाई उन्होंने। तो जल्दी से बताइएगा, आर्मस्ट्रांग। जी हाँ, लांस आर्मस्ट्रांग, बहुत ही अच्छा उम्दा जवाब है, लांस आर्मस्ट्रांग। देखिए जो जो पर्सन मुझे लगता है इसके साथ इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे वो ओल्ड जीके के हों, विविध पर्सन हों, स्टैटिक जीके हो, वो मैं साथ साथ करता रहता हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब कई विद्यार्थियों को दिमाग में गड़बड़ हो गई होगी, नुबलाई आर्मस्ट्रांग अमेरिका का है क्या? मखा भाई अमेरिका का ही है, नुबलाई वो तो नहीं है जो चांद पे गया था? तो मेरे चांद, ये वो चांद नहीं है जो चांद पे गया था, ये तो साइकिल वाला है। जी हाँ, साइकिल का खेल दिखाता था, चांद पे गए थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, वो भी स्ट्रांग थे, ये भी स्ट्रांग थे, वो स्ट्रांग चांद पे गए, ये स्ट्रांग साइकिल से। 7 तो भैया मेडल जीते और गोल्ड मेडल, और बाद में बोला मैंने ड्रग्स ली थी और सारे पदक इससे छीन लिए गए, बहुत अपमान हुआ, लेकिन ये फिर भी हंसता रहा। मैंने उससे पूछा इतना कुछ हो गया स्ट्रांग जी और आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नुबला इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैं अपने आप से जीत गया, नहीं तो जिंदगी भर मरते दम तक दर्द ही रहता कि भाई मेरे दिल में एक राज था और मैंने दुनिया के साथ चीटिंग की, अपने देश के साथ चीटिंग की और मैं बता नहीं पाया, अब चैन से मर सकूंगा। मैं कहा ये तू अमेरिका क्या जब बात कर रहा है, मार ले देखिए भारत वालों को, भैया हम मर जाएंगे पर जो राज है ना इस दिल में वो राज रह जाएंगे, कभी बताएंगे नहीं, इस मामले हमारा कोई शानी नहीं है, मर जाएंगे पर राज नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा डियर स्टूडेंट, साइकिल से हम आगे बढ़ते हैं, आर्मस्ट्रांग से आगे। हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस गांव में बायोगैस प्लांट लगाया गया है, तैयार किया जा रहा है, उद्घाटन सा भी हो गया है, जल्दी से बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा के किस गांव में पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत पहला बायोगैस प्लांट। जी हाँ, बायोगैस प्लांट, आप कहेंगे जी पहले भी लगे वो अलग थे, वो दौर दूसरा थे, दौर दूसरा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्टडी में मून सेलेनोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा उस गांव का नाम। मैं बताता हूँ, वो कोई पुराना गांव नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो नया गांव है। जी हाँ, नया गांव, नया गांव के अंदर डियर स्टूडेंट्स, और नया गांव कहाँ है, हिसार, ये नया गांव भाड़ा नहीं है, नया गांव ये इधर कोसली के पास है तो वो नहीं है, ये नया गांव डियर स्टूडेंट हिसार में है। और यहाँ से देखो सब गांव में गांव बायोप्लांट लगेंगे और उससे पूरे गांव में रसोई गैस की तरह जो गैस भेजी जाएगी जो खाना बनाने के काम आएगी। अब LPG भी पहुंचाई जाएगी, लेकिन LPG से बेहतर प्रोजेक्ट है, गोबर का भी सेट हो जाएगा, खाद भी बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब एक व्यक्ति आए थे CB देसाई, देश में सबसे पहली बार गोबर प्लांट बायोगैस प्लांट का तरीका बताया था डियर स्टूडेंट CB देसाई ने, ध्यान करना मेरी बात को। हरियाणा में भी बायोगैस प्लांट लगे थे, फेल हो गए, पूछो कैसे, वो घरों में लगे थे सब्सिडी के तहत, वो जिसके घर में नहीं लगा ना प्लांट वो महिला आके दूसरों को कहती थी ना हमारे तो प्लांट लग गए, जिसके लगा वो पहले, तो दूसरी महिला आती बोला अच्छा के लग गया थारा प्लांट, थारी रोटियां में तो गोबर की बात आवे है, इस तरह की बात करती थी महिलाएं। और चिड़ा चिड़ा के उन्होंने कहा पानी तत्ता कर लूंगी इस पे, ओके की आज कर लूंगी, सारा काम कर लूंगी,
लेकिन भैया रोटी नहीं बनाऊंगी, और भैया क्योंकि गोबर की बात आती है, और भैया कोरोना था नहीं कि हमारे स्मेल या सूंघने की शक्ति खत्म हो गई हो और ये फेल हो गए थे। अब दोबारा से सिस्टम शुरू किया गया। जी स्टूडेंट्स ध्यान से सब कह रहे हैं, सीपी देसाई नया गाँव गोबर गैस बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, देखते हैं मिथेन गैस सब मिला के और नया प्रोजेक्ट मिलेगा गाँव को, बहुत अच्छा काम मिलेगा ताकि वो कपड़ा खाना बना सके। नेक्स्ट प्रश्न डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, हाल ही में तो उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। हाल ही में किस गुफा के दर्शन दूर दर्शन पर लाइव होंगे? किस गुफा के दर्शन? देखो गुफा के दर्शन, बोलो दूर दर्शन, गुफा के दर्शन दूर दर्शन पे लाइव होंगे, बोलो बाबा अमरनाथ की जय। बर्फानी बाबा, जी हाँ बर्फानी बाबा के नाम से उसको जाना जाता है। ये गुफा पवित्र गुफा है अमरनाथ की, जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ अमर कबूतर भी रहते हैं, और इस महीने में यात्रा शुरू होगी। 500 आदमियों को एक बार में जाने की इजाज़त है। यात्रा किस तरह हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पिछली बार भी एक बार ये यात्रा रोक दी गई थी, आपको बता 370 धारा हटाई गई थी JNDK में, वो अब देखते हैं यात्रा कैसी संभव होती है, जैसी संभू अब आगे बढ़ते हैं। तो अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है, और आप जानते हैं मुर्मू जी कहाँ के प्रशासक हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा, बीच में एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, बस पानी पी लेता हूँ, उसके बाद जैकपॉट भी आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन अभी बाकी है। हाँ अभी तो थोड़ा सा काम हुआ, बहुत सा बाकी है, एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जाने का नहीं है, जुड़े रहिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम फिर से हाजिर हो गए हैं। हाँ सर पानी पी लो, गर्मी बहुत है। जी हाँ बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 113 थे, 14 थे, 13 14 छोड़ के चले गए, बीच में पानी वानी पी लो बेटा, कोई बात नहीं अभी पी सकते हैं। शुरुआत करते हैं, हाल ही में हरियाणा जीके, देखिए साथ साथ चल रहे हैं, हर बार हरियाणा जीके क्वेश्चन इसमें बिल्कुल इसी में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और आपका हरियाणा जीके कर्ण जीके दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, अलग से कोई आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हाल ही में विश्व बैंक आप समझ गए अमेरिका के वॉशिंगटन में है। डियर स्टूडेंट सुनिएगा, विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पद संभालने वाली हरियाणा की बेटी, विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पद संभालने वाली हरियाणा की बेटी का नाम क्या है? राहुल निर्वाण हमें गिलास दिखा रहे हैं जूस का, ठीक है बेटा थैंक यू फॉर ये, आप हमें जो जूस पिला रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्थशास्त्री बेटी, उसका नाम है डॉक्टर एस अनुकृति, ध्यान से सुनिएगा बेटा डॉक्टर एस अनुकृति। ये खबर तो आपने द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लोकल अखबार में भी मिल गई होगी, और लोकल अखबार ने लिखा है कि नारनौल महेंद्रगढ़ की बेटी विश्व बैंक में क्या बन गई है डियर स्टूडेंट्स? अर्थशास्त्री बन गई है। जी हाँ ये नारनौल की बेटी है, हालांकि हिसार में काफी समय तक रही है, लेकिन नारनौल की है अनुकृति जी। और डियर स्टूडेंट्स इनके पिता बड़े साहित्यकार रहे हैं, डॉक्टर राम निवास जी, या इनके पिता बहुत ही बड़े साहित्यकार रहे हैं राम निवास जी, उनकी बेटी है। इनके जो हस्बैंड है ना डियर स्टूडेंट्स सिद्धार्थ रामलिंगम, इनके पति डॉक्टर सनकीर्ति के सिद्धार्थ रामलिंगम, तो सिद्धार्थ भी विश्व बैंक में एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये भी अब विश्व बैंक में अर्थशास्त्री बन गए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके दुनिया के देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक सोसाइटी जो है उसकी प्रथम यंग रिसर्चर का अवार्ड भी मिला है बेटा, हाँ प्रथम यंग रिसर्चर का अवार्ड भी किसको मिला है? डॉक्टर एस अनुकृति को मिला है, और हमारे नारनौल के, नारनौल एक शहर है छोटा सा बड़े से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हरियाणा जी के आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैकपॉट का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन स्टूडेंट जल्दी से बताएगा। तैयार हो जाइए सभी, जुड़ जाइएगा, मैं जैकपॉट पूछने जा रहा हूं। 50 रुपए का जैकपॉट क्वेश्चन है, सुनिएगा, यह रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर।
हाल ही में रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? जल्दी से कौन बताएगा? नजर रखिएगा, टीम से मैं अनुरोध है कि नजर रखिएगा। सबसे पहले भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम जो हाल ही में चर्चा में है, भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम जल्दी से बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से। 110 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, देखते हैं कौन बता पाते हैं। यस, रोशन ने बताया शेषनाग, इससे पहले अजय रोहिला ने खाली नाग बताया, लेकिन मैं बिल्कुल एक्यूरेट मानूंगा। रोशन यादव शेषनाग और उसके बाद हरि नारायण ने शेषनाग बताया है, तो रोशन यादव का बिल्कुल राइट जवाब है और इनको जैकपॉट का 50 रुपीज भेज दिया जाएगा। पिछला जैकपॉट कैंसिल हो गया था, 3 स्टूडेंट बनाए, तीनों को जैकपॉट मिल चुका और मुझे पता ही नहीं चला। वो जैकपॉट का जो पर्सन था उसको उत्तर मैंने पहले ही बोल के दे दिया था, तो इस वजह से माफी चाहूंगा, एक बार कैंसिल हुआ वो। तो मेरा अनुरोध है, बधाई हो और आप जल्दी से अपना नाम गांव व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज देना, खत्म होते ही एक दिन के भीतर भीतर आपको ये पैसा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, तो गाड़ी का नाम है शेषनाग। देखो हम डेली अब खाते हैं खाटा का साग और गाड़ी का नाम शेषनाग। सावन का महीना, नाग का महीना, भगवान शिव के शेषनाग नहीं, विष्णु ने शेषनाग का अवतार लिया था। भारतीय पुराण के अंदर बताया गया है किसने अवतार लिया, बिल्कुल राइट बता रहे। निशु आरती कह रही है बेटा ये एनाकोंडा कहाँ से लिया है, रवीन यादव पारुल ये कहाँ से एनाकोंडा, एनाकोंडा बेटा ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है, हमारे यहाँ कोई एनाकोंडा नहीं है, हमारे तो पिटन घोर मिला है, पिटन घोर समझ में आया, हाँ घास वाला सांप कालिया सांप किंग कोबरा ये मिलता है हमारे यहाँ। तो 2.8 किलोमीटर लंबी गाड़ी भाई शेषनाग, गाड़ी का नाम शेषनाग। कितने किलोमीटर लंबी भाई? 2.8 किलोमीटर। देखिएगा 2.8 मीटर यानी 2 किलोमीटर, इतनी लंबी रेलगाड़ी, गाड़ी का नाम शेषनाग भाई। 251 डब्बे बेटा, 251 डब्बे हैं इस गाड़ी में, सुनिए मालगाड़ी में 4 इंजन और भाई नागपुर डिवीजन से चली है गाड़ी, नागपुर डिवीजन के अंदर सिस्टम बनाया गया, परम लकासा स्टेशन से चली, परम लकासा यानी महाराष्ट्र में, परम लकासा अशोक लवासा नहीं, परम लकासा। और भाई इससे पहले भी गाड़ी जुड़ी थी जो एनाकोंडा, डियर स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनको मैं कर दूँ, मजाक कर रहा था आपके साथ पवन कुमारी सेलंग, मैं मजाक कर रहा था यार, शेषनाग से पहले कौन सी थी, एनाकोंडा। हाँ अमित यादव भी सही बता रहे, शेषनाग से पहले थी एनाकोंडा, एनाकोंडा की लंबाई थी 2 किलोमीटर, वो बिलासपुर से चलाई गई थी, ठीक है, एनाकोंडा की लंबाई थी 2 किलोमीटर। तो ये एनाकोंडा और ये आ गया भैया शेषनाग, तो एनाकोंडा से भी बड़ा कौन सा हमारा शेषनाग जिस पर भगवान विष्णु विराजमान रहते। डियर स्टूडेंट अच्छा आगे बढ़ते हैं, रेलवे मंत्री आपको पता है पीयूष गोयल जी हैं। हाल ही में किस देश ने अपने संविधान के अंदर संशोधन करके, ध्यान से सुना डियर स्टूडेंट्स, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके वहां के राष्ट्रपति को 2036 तक बने रहने की अनुमति दे दी है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कहां के राष्ट्रपति को 2036 तक परमानेंट बने रहने की अनुमति दे दी है। डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब है, YouTube पर ए टीचर ज्वाइन करना है तो हमें YouTube पे बताएं क्वालिफिकेशन। भैया मेरी क्वालिफिकेशन एम ए बी एड है और मेरा 15 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मुझे भी आजमाइएगा। रशिया बिल्कुल सही जवाब दिया, रशिया के जो बेटा प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति महोदय हैं व्लादिमीर पुतिन, जी हाँ व्लादिमीर पुतिन साहब, तो पैसे पुतिन जी और पैसे प्रेसिडेंट बने रहेंगे और कब तक बने रहेंगे, 2036 तक, ऐसे वहाँ संविधान में संशोधन कर दिया और अब 2 कार्यकाल और बढ़े रहेंगे। देखो आज के लिए बहुत हो रहा है, चाइना को देख लीजिए, शी जिनपिंग ने संशोधन करवा दिया और बोला ये तो 36 तक रहेंगे, वो तो ये बोला मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं ही रहूँगा, बताओ जब तक जिएगा वो ही रहेगा कौन भाई, शी जिनपिंग। और चाइना के लोग प्रार्थना करेंगे हे प्रभु अनिठा ले ताकि वो जल्दी से चले जाए और मामला निपट जाए और हमें दूसरे प्रशासक राज दूसरे जो व्यक्ति आए राष्ट्रपति बने उनके अंदर देश को आगे बढ़ने का मौका मिले। आगे बढ़ते हैं, तो रशिया ने बड़ा परिवर्तन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जी हाँ फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं?
अच्छा, एक कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, मेरा जी रेलवे की भर्तियां यूँ सुनिए रद्द हो गई हैं, कई सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं भर्तियां रद्द नहीं हुई हैं, कुछ जो नॉन टेक्निकल जो पोस्ट हैं उनको कम किया गया है, जो भर्तियाँ पहले निकली हुई हैं वो लगातार जारी होंगी, वो कंप्लीट होंगी, और इसके अलावा आरपीएफ के जो डिफेंस से संबंधित पद है वो तो और भी निकाले जाएंगे, मैं आपको बता दूं सच्चाई ये है, जो नॉन टेक्निकल पद है वो कम किए जाएंगे, ये 100% कन्फर्म है, लेकिन भर्तियाँ कोई रद्द नहीं होंगी, कोई सिस्टम नहीं है, ये थोड़ी गलत स्टेटमेंट तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न है, जो रियल जानकारी वो मैं आपको देना मेरा परम दायित्व है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री बनेंगे जैन कैस्टेक्स, यस जैन कैस्टेक्स, जैन कैस्टेक्स बन गए डियर स्टूडेंट्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, इससे पहले थे फिलिप, एडवर्ड फिलिप थे, फिलिप की कोरोना के कारण बड़ी आलोचना हो रही थी ढंग से ना निपटने के लिए, इसलिए नए बनाए गए जैन कैस्टेक्स, ये ध्यान रखना है प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति वही हैं मैक्रो, जी हाँ फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है डियर स्टूडेंट्स मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री बदले हैं जैन कैस्टेक्स। अब आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने रूस से कितने करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया डियर स्टूडेंट्स, कितने करोड़ रुपए का, जी हाँ केएसपीआरटी के वैकेंसी निकलेंगे, निकलेंगे अनीता दीक्षित जी, और 100% हरियाणा में भी जेबीटी की भर्तियां होंगी, 101% होंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, और माशाल्लाह जल्दी हो सकता आपको कोई खबर मिले, हम भी जल्दी मिलेंगे, स्कूल भी बड़े बच्चों के लिए भगवान की दया से जल्दी खुल जाएंगे, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिएगा हमारा प्रश्न चल रहा था, यस 2900 करोड़ समथिंग है बेटा, 38,900 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट डाटा दिया है हमें नीतीशा ने, 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा सौदों को मंजूरी, जी हाँ, और देखो रशिया हमारा पुराना मित्र था, अब और करीब ला रहे हैं, क्योंकि कुछ समय हम अमेरिका के करीब चले गए थे डियर स्टूडेंट, 33 लड़ाकू विमान खरीदेंगे भैया, 12 तो इसमें से एसयू और 21 MiG-29 के हम कहेंगे रिप्लेसमेंट रहेगा, 21 MiG-29 के रिप्लेस और 33 लड़ाकू विमान टोटल होंगे, 12 SU-30 खरीदेंगे, जी हाँ 12 SU-30, ये रक्षा सौदा हमने किया है रूस से किया है, और रक्षा सौदा पे दस्तखत किए हैं हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने, रहस्य रक्षा मंत्री और रहस्य राजनाथ सिंह। नेक्स्ट पर्सन, हम बात करते हैं डिजिटल स्ट्राइक पर, भारत सरकार ने चाइना की कितनी ऐप पर बैन कर दिया है, 59, जी हाँ 59 ऐप जो है चाइना की, जिनके अंदर आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कौन कौन सी मोबाइल ऐप हैं, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है, शेयर इट हो, टिकटॉक हो, पिकपोक हो, जो भी है वो सब बैन कर दिए हैं, बिल्कुल 59 ऐप, और इसको नाम दिया है डिजिटल स्ट्राइक। देखिए हमने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे, और चाइना पे हम कह रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक, ये मैंने नहीं कहा, ये कहा है हमारे दूर संचार और सूचना मंत्री श्री और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी ने, जी हाँ हमारे देश के दूर संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा है कि ये जो भारत सरकार ने चाइना ऐप को बंद किया ये डिजिटल स्ट्राइक है चाइना के खिलाफ, डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तान के खिलाफ हमने एयर स्ट्राइक की थी चाइना के खिलाफ, डियर स्टूडेंट्स ये डिजिटल स्ट्राइक का नाम दिया गया है, और मैं तो कह रहा हूँ बड़ी दिक्कत तो हो गई भाई, दिक्कत क्या हो गई सुनिएगा, वो सोनाली फोगाट पे एक तो केस हो गया, वो जेई के थप्पड़ मार दिया उसने, ऊपर से बेरोजगार हो गई, बताओ तो कितने बेरोजगार होंगे जो टिकटॉक स्टार थे, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे, बहुत सारे व्यूज आते थे, वो सब बेचारे बेरोजगार हो गए, अब वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे भाई जिंदगी रही तो बंगला बना दूँ यार तेरा बेरोजगार सोनी, ऐसा करते डोलेंगे। तो सोनाली फोगाट बहुत बड़ी खबर है, भाजपा की नेत्री चुनाव पिछली बार हार गई, चुनाव भी हार गई, थप्पड़ का केस भी दर्ज हो गया बेचारी पर, और ऊपर से नौकरी भी चली गई, देखो अब ये नौकरी तो थी टिकटॉक, नौकरी का ही काम था, पैसे कमाते थे भैया इसमें। हाँ अगला प्रश्न देखिएगा, नेपाल के खिलाफ थप्पड़ स्ट्राइक भी हो रही है, नीशु यादव कह रहे बिल्कुल चर्चा होगी। नेक्स्ट प्रश्न डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, हाल ही में
किस मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है? जी हाँ, किस मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है? उसका नाम है मामा जी, यानी शिवराज सिंह चौहान, जिसको वहां पे एमपी के लोग प्यार से मामा कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान इनको लोग प्यार से मामा कहते हैं। तो मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का दूसरी बार फेरबदल किया है, और वहां पर राज्यपाल आपको पता ही आनंदीबेन पटेल जो कभी खुद गुजरात की मुख्यमंत्री रही थी, आनंदीबेन पटेल जी, वो भैया वहां पर राज्यपाल हैं। 28 मंत्री हैं, टोटल 34 मंत्री हो गए। अब की बार जो मंत्रिमंडल हुआ है, इसमें से डियर स्टूडेंट्स 9 सिंधिया के समर्थक है। सिंधिया समझ रहे हो? माधव सिंधिया। सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे, और सिंधिया कांग्रेस छोड़ के मेरे डियर स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? भाजपा में चले गए। जी हाँ, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए सिंधिया जी, और 9 समर्थक मंत्री बनवा लिए। कुछ लोग कह रहे थे सिंधिया कांग्रेस में गया और बीजेपी भी नहीं रखेगी, इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, सिंधिया ने कहा है टाइगर अभी जिंदा है। ये सलमान खान की मूवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये माधव सिंधिया की डायलॉग की बात कर रहा हूं मैं। सिंधिया जी ने कहा है कि भैया टाइगर अभी जिंदा है, और मेरी मजबूत पकड़ है पार्टी के अंदर बीजेपी में। तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि ये क्या हो गया, ये क्यों कर दिया? नुबला कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं थारा हो जाऊं, और मैं किसी और का हूं फिलहाल कि थारा हो जाऊं। ये हालात हो गए हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया। एक स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया, उसने किया कि सर मैं आपको फाइनेंस कर दूंगा और आप डिजिटल बोर्ड ले आए, क्योंकि देखो हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो ये जो काम हो रहा है बिना डिजिटल बोर्ड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अच्छा है या नहीं है। इस तरह से पढ़ने में दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ डिजिटल से हम और जोश में आएंगे, पिक्चर भी साथ दिखाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट अभी मेरे लिए संभव नहीं है। तो ठीक है, तो आप वो लाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ सर, बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। और है तो फिर भैया हम सुख दुख पा के लाएँ किधर से, या जो भाई फाइनेंस के लिए कह रहा था मैं उसको पकड़ूँ कि बेटा आप आ जाओ और फाइनेंस करो, कि जब ठीक हो गया हालत तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। मैं पर्सनली बात सीधा करता हूँ, इसमें मैं कभी दोहरा नहीं रखता, तो मुझे बता देना। अब आगे बढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स, सर ये अच्छा है तो ठीक है, फिर चलने दीजिए, हम वैसे डिजिटल बना देंगे पढ़ा के, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, पूरा प्रयास करेंगे हम। आगे बढ़ता हूँ, एक और दिक्कत है कि मैं कम से कम 40-50 क्वेश्चन सेट करता हूँ कि ये मुझे क्लास में करवाने हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे से 4 पेज सेट होते हैं, 4 पेज यानी इतने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगभग कराऊँ, क्वेश्चन तो 300-350 जाते हैं जुड़े हुए करंट के भी सारे मिला के, लेकिन डियर स्टूडेंट वो पेज पूरा नहीं हो पाते, मतलब इतने क्वेश्चन मैं कर नहीं पा रहा हूँ पूरे के पूरे, सारे नहीं, हमेशा बच जाते हैं दिमाग से, यार वो रह गया ऐसा चलता रहता है। तो इसका क्या करें, बाद में मुझे आप कमेंट में बताना, प्रश्न हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज भी देखिए बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे, और अगली बार जब मैं कराता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता, सोचता हूँ ये नए वाले कराऊँ करंट, वो पुराना करंट हो गया। चलो बात करते हैं इस बारे में, सब सही है, ठीक है, तो हम चलने देंगे, जब इकोनॉमिक रूप से ठीक हो जाएंगे तो हम डिजिटल बोर्ड भी देंगे, और एकेडमी लगने के बाद भी जो करंट है वो हम आपको इस डिजिटल ही देंगे, बाकी क्लास से तो क्लास में ही होंगी। मैं आगे बढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2023 तक किस देश में प्राइवेट ट्रेन शुरू हो जाएंगी? अच्छा प्रश्न है, 2023 तक किस देश में प्राइवेट ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, उनको मंजूरी मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स? उस देश का नाम जोर से बोलिए, जय हिंद जय भारत। तो हमारा देश है भारत, पीडीएफ में डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वीटी कह रही है सर कोई डिजिटल यूज नहीं है, ऐसे बहुत बढ़िया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुनिएगा, 2023 तक प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। अब जल्दी से लाइव चैट में बताइए, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जल्दी से बताइएगा, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम। अकेडमी कब से स्टार्ट होगी, जल्दी होगी बेटा, बता देंगे, टेंशन मत लो। भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम बताइए पहले, फिर बाद में सारी बातें करेंगे। किसी ने उत्तर नहीं दिया अभी तक, मैं दे देता हूँ। बोलो जीनेस अकेडमी, सबसे तेज सबसे आगे, सबसे तेज यानी तेजस,
भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम तेजस, जो दिल्ली से लखनऊ चली थी, अब तो दूसरी भी चल गई, वो अलग मैटर है, पहली ट्रेन तेजस प्राइवेट ट्रेन, और 2023 तक काफ़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, यानी रेलवे का कुछ परसेंट निजीकरण होगा। रेलवे के चेयरमैन कौन है जल्दी से बताइए, विनोद कुमार जी। जी हाँ, रेलवे के चेयरमैन है डियर स्टूडेंट्स विनोद कुमार जी, तो उन्होंने बात कही है बहुत ज़्यादा निजीकरण नहीं होगा, कुछ परसेंट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, हाल ही में देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे शुरू किया गया डियर स्टूडेंट, पहला प्लाज्मा बैंक देश में कहाँ शुरू किया गया है, आपका आंसर रहेगा दिल्ली के अंदर। जी हाँ, देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, छतरपुर के पास इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज अस्पताल में, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज अस्पताल के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर डियर स्टूडेंट छतरपुर के पास पहला प्लाज्मा बैंक। अब आप पूछेंगे सर प्लाज्मा क्या है, देखो आप कोरोना से पीड़ित हो और ठीक हो गए, ठीक होने के 14 दिन के बाद आप अपने जो रक्त का प्लाज्मा है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से रखिए, स्वीटी कह रहे हैं मैंने तेजस ही बोला था, तो सॉरी बेटा जी, शायद वो जल्दी से ऊपर चला गया तो मैं शायद देख नहीं पाया हूँगा। चलो आपका भी बिल्कुल सही जवाब था स्वीटी, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो बात चल रही थी हमारी प्लाज्मा बैंक की, तो वो ठीक होने के बाद अपना रक्त का प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, तो जिसको अब कोरोना हो गया तो प्लाज्मा थेरेपी द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है, इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। पर ये बैंक तभी चलेगा जब लोग अपनी प्लाज्मा डोनेट करेंगे, फिलहाल तो लोग डरे हुए हैं, वो खुद ठीक हो जाते वही काफ़ी है, तो प्लाज्मा जो है वो बैंक बना है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट पर्सन है डियर स्टूडेंट्स, हाल ही में हरियाणा में CID के OSD कौन बने हैं, CID के OSD हाल ही में कौन बने हैं जल्दी से बताइएगा, वो आगे चल के CID प्रमुख भी होंगे, आलोक मित्तल। CID के OSD बने हैं डियर स्टूडेंट्स, आलोक मित्तल जी बने हैं, CID के आलोक मित्तल जी बने हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा और बात को समझिएगा, आलोक मित्तल ने एक चीज शुरू की थी, ये पर्सन HSSC में 7 बार पूछा जा चुका, क्या पूछा जा चुका सुनिएगा भैया, राहगिरी, याद आया कुछ, HSSC ने पूछा है 3 से 4 बार, ऑपरेशन राहगिरी। राहगिरी क्या है, सब जगह मनाया जाता है, एक दिन फिक्स कर दिया जाता है, उस दिन एक रोड सड़क बैन कर दी जाती है, उस पर कल्चर एक्टिविटी की जाती है, साइकिलिंग होती है, बड़े बड़े अधिकारी बच्चों के साथ खेलते हैं, सभी नाच गाना करते हैं और भूल जाते हैं, और ज़िंदगी में तनाव से मुक्त होने का एक जरिया है ये ऑपरेशन राहगिरी। तो गुरुग्राम में सबसे पहले आलोक मित्तल ने शुरू की थी और अब ये पूरे हरियाणा में चलाई जा रही है। जी हाँ, ऑपरेशन राहगिरी अब तो बंद है कोरोना के प्रकोप के कारण डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पर्सन है हरियाणा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ, नारकोटिक्स नशे को रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट जो बनाया गया उसको नारकोटिक्स कहते हैं, तो नारकोटिक्स लिखेंगे हम पूरा, तो नारकोटिक्स के किसको बनाया गया ब्यूरो चीफ, उसका नाम है श्रीकांत जाधव। श्रीकांत का नाम हो काम होगा हरियाणा में नशे को रोकना, युवाओं को नशे की ओर ना बढ़ने देना और नशे जो स्मगलर हैं उनको पकड़ना। श्रीकांत जाधव जी बने हैं डियर स्टूडेंट्स नारकोटिक्स विभाग के, हमारे बिल्कुल ब्यूरो चीफ बने हैं नारकोटिक्स के। नेक्स्ट पर्सन डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, एक आप मुझे जल्दी से बताएंगे, हरियाणा जीके का पर्सन है, कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं, 130 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 117 लाइक्स है, बाकी के 14 क्या कर रहे हैं ये मुझे जल्दी से बताइएगा। पर्सन सुनिएगा, हाल ही में हरियाणा के किस गांव के सामाजिक बदलाव की कहानी 10वीं की क्लास की वर्क बुक में शामिल की गई है, हरियाणा के किस गांव के सामाजिक बदलाव की कहानी 10वीं कक्षा की वर्क बुक में शामिल किया गया है जल्दी से बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, उस गांव का नाम बताना है। बिल्कुल सबसे पहले बताया है अमित यादव ने, बीबीपुर जींद, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था डियर स्टूडेंट्स, बीबीपुर जींद के अंदर है, बीबीपुर जींद के अंदर, बिल्कुल सही अभिषेक, वेलकम डियर, ध्यान से सुनिएगा, अभी बीबीपुर गांव की कहानी क्या है,
बहुत ही अच्छा प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। बीबीपुर गांव में डियर स्टूडेंट्स 2012 में एक नई दिशा हुई। सरपंच का नाम था सुनील जागलान। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठते हैं यहाँ से। सुनील जागलान, सुनील जागलान सरपंच था। महिलाओं की कमेटी बनाई डियर स्टूडेंट टीम पूरे गांव की, और महिलाओं को पंचायत बनाई पूरी, और कमेटी बनाई और बोली भ्रूण हत्या को रोकेंगे, और महिला सशक्तिकरण पे बल दिया और नारा दिया यहाँ से डियर स्टूडेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, ये नारा जिंद गांव से निकला था, बागड़ की धरती से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा कहाँ से निकला? जिन से। और मैं तो ये कहता हूँ, अब तो नारा बेटी रियल में पढ़ने लग गए हैं। बहुत बदलाव है हमारे समाज में। इस चैनल पे देख लीजिए आप, बेटियाँ सबसे ज़्यादा हैं और बेटे बहुत ही कम हैं। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ भी नारा लगाना पड़ेगा शायद 2025 तक, ये हालात रहे तो सुनील जागरण ने किया। उसके अलावा और क्या डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, इस नारे को 2015 में ले लिया मोदी जी ने, और मोदी जी ने भैया इसका व्याख्यान यूएनओ की बैठक में भी किया। यूएनओ सभा में मोदी जी ने कहा कि भारत में बेटी बचाओ बेटी अभियान चला, और फिर पानीपत से आपको पता ही अभियान को गति दी गई। और डियर स्टूडेंट्स एक और नारा दिया इन्होंने, सेल्फी विद डॉटर। ये पर्सन एचएसएससी ने कई बार पूछा है, एसएससी ने भी पूछा है डियर स्टूडेंट्स, सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर। और इस बात की मोदी जी ने भी बड़े बड़े मंचों पे तारीफ की। सुनील जागलान ने बेटियों को बचाने के लिए एक स्पेशल फाउंडेशन तैयार किया है, एक स्पेशल एनजीओ तैयार कर रखा है, और ये गांव बीबीपुर है, और क्योंकि गांव का नाम बीबीपुर है तो रियल है, महिलाओं की चौदरवा है और रहेगी। और इस गांव की कहानी, ए विलेज नेम्ड बीबीपुर, ए विलेज नेम्ड बीबीपुर, इसके नाम से 10वीं कक्षा की वर्क बुक में शामिल किया गया। धीरे धीरे पूरे देश में हो जाए, हरियाणा में, अभी दिल्ली में 10th क्लास की एक वर्क बुक में इस कहानी को शामिल किया गया। इस गांव में क्या क्या बदलाव आए डियर स्टूडेंट्स, स्काई पाथ नाम के पब्लिकेशन की बुक है दिल्ली में, उसमें ये पाठ छपा है। कितनी गर्व की बात हमारे लिए कि हमारे हरियाणा का एक नारा, हमारे हरियाणा की महिलाओं की एक आगे बढ़ने की दिशा, बेटियों को बचाने की दिशा पूरी दुनिया पढ़ेगी, बच्चे किताबों में पढ़ेंगे इस बदलाव की कहानी को, ये हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। नेक्स्ट प्रश्न डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा 10,000 बेड का कोविड सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? 10,000 बेड का कोविड सेंटर डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे शुरू हुआ है, जल्दी से मुझे बताइएगा। 10,000 बेड का कोविड सेंटर, जी हाँ, 10,000 बेड का कोविड सेंटर दुनिया में सबसे बड़ा कहाँ शुरू हुआ है? तो हमारी दिल्ली में शुरू हुआ है, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर था। राधा स्वामी सत्संग जो व्यास परिसर था, उस परिसर में ये सेंटर बनाया गया है। तो दुनिया का 10,000 बेड का सबसे बड़ा कहाँ पे बनाया गया है? दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हाल ही में WHO, जी हाँ, WHO और 1300 दुनिया के 1300 जब बड़े बड़े सब वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बैठक की, और उस बैठक में निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष क्या निकला, बड़ी बात है, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, कि वायरस से जो मौत का खतरा वो 1% से भी कम है। ये लो भाई, इस वायरस से पूरी दुनिया का हम सिस्टम बनाए तो जो मौत का खतरा है वो 1% से भी कम है। यानी पूरी दुनिया में जानलेवा संक्रमण 0.6% है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और इस गति से अगर संक्रमण फैलता है तो 4,70,00,000 के लगभग मौतें हो सकती हैं। यानी 1% खतरा है दुनिया में। आपको पता है 7.5 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या डियर स्टूडेंट्स, तो खतरा बड़ा नहीं है, पैनिक ज़्यादा बड़ा है। और बचाव आपको पता है 2 गज की दूरी और मास्क अपने आप को बचाने का है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है। हाल ही में मुझे पता है कि आपके डाटा की तरफ इशारा हो गया होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, है ना, मेरे को लगता बस पढ़ाते जाऊं, क्योंकि जो इंसान दिन में 8 घंटे लगातार पढ़ाता था वो 1 घंटे में थक जाए, ये हो नहीं सकता। तुम थक जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं थक जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। तुम ध्यान से सुनिएगा, लास्ट प्रश्न समझ लो। IPL की नीलामी में, IPL इंडियन प्रीमियर लीग, मैं यहाँ पे इंडियन पैसा लीग की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन प्रीमियर लीग में 15.5 करोड़ रुपए में खिलाड़ी बिका है।
15.5 करोड़ में डियर स्टूडेंट्स एक खिलाड़ी बिका है, उस खिलाड़ी का नाम बताइएगा जल्दी से लाइव चैट में। उस खिलाड़ी का नाम है डियर स्टूडेंट्स बहुत ही पेट कमिंस। जी हाँ, इसका जो पेट है ना वो कम है तो इसका नाम पड़ेगा भाई पेट कमिंस, यानी पेट कम है, पेट कमिंस यानी पेट कम है। ठीक है, तो भैया कैरी ऑन के लिए कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी तो आप जुड़े रहिएगा। पेट कमिंस कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं पेट कमिंस। और मजे की बात सुनना, किस टीम ने इनको खरीदा भाई 15.5 करोड़ में? अरे भाई हमें कोई करोड़ में खरीद ले, हम भी तैयार हैं बिकने के लिए, पर कोई खरीददार ही नहीं है इधर तो। हाँ, हमारे करदादान थे वो है नहीं अभी यहाँ पे आप लोग। तो ऑस्ट्रेलिया इसको खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। जी हाँ, शाहरुख खान की जो टीम है ना कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने खरीदा इसको आईपीएल में। और लेट्स एक और लेटेस्ट पर्सन डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा में महिलाओं को कितने फीसदी आरक्षण पर चर्चा शुरू हो गई है? अब तक कितने फीसदी आरक्षण है? 33% अब तक महिलाओं को आरक्षण है डियर स्टूडेंट्स, 33%। और अब हरियाणा सरकार कह रही है कि हम ये बढ़ाएंगे, और मे भी डियर स्टूडेंट्स ये बढ़ा के क्या जा सकता है 50%। जी हाँ, पंचायती राज चुनाव हरियाणा में होंगे जल्दी आगे। इन पंचायती राज चुनाव में आर्टिकल 243 में और अनुसूचियों में परिवर्तन करके कह रहे हैं कि कितना करेंगे, 33 से बढ़ा के 50%, यानी 50% सोदर हमारे हरियाणा में माता बहनों की होगी, महिलाओं की होगी। ये अच्छी बात है, देखते हैं कब तक हो पाता है। संसद में भी एक बिल पेंडिंग में पड़ा है कि महिलाओं को संसद में 33% रिजर्वेशन चाहिए, वो भी अभी तक नहीं मिल रहा है, देखते हैं क्या होता है। और आज का डियर स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पर्सन है, अंतिम पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने, सुनिएगा डियर स्टूडेंट, लास्ट पर्सन है आज का, उसके बाद एक बढ़िया सा शेयर सुनाऊंगा, फिर हम क्लास को स्टॉप करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने किस देश के सैनिकों पर, सैनिक मतलब नौ सैनिकों पर, नेवी के नौ सैनिकों, नौ सैनिकों पर, नौ का मतलब वो वाला नौ नहीं है कि नाइन सैनिक है, नौ सेना मतलब नेवी, नेवी के सैनिकों पर जो भारतीय सरकार ने कार्रवाई किया, भारतीय कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ठीक है, तो इटली के नाविक थे, ध्यान से सुनना, इटली के नाविक थे, 2012 की बात है, 2012 की बात है, और हमें आज भी याद है हमारा केरल का समुद्री तट था। और इस समुद्री तट पे डियर स्टूडेंट्स इटली के जहाज के दो नौ सैनिकों ने हमारे मछुआरों की, दो मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी। वो भी दो थे, हमारे भी दो थे, पर उनके पास हथियार थे। उनका नाम था मस्सी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लंबा नाम है, एक का मस्सी और एक का नाम था गिरोने। तो एक तो मस्सी, एक भाई गिरोने, हमने उनको कोर्ट में सजा सुना दी। इटली गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में, वहाँ भी कहा सजा ठीक है, हालांकि अभी हमने जमानत पे भेजे हुए डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से रखना। अब इटली वालों ने हमारे मछुआरों को मार दिया, शर्म नहीं आती बताओ यार, कमाल हो गया है। बटाइयों पर हाथ उठाते गलत बात है यार, हमारे राजीव गांधी की ब्याह हुआ था वहाँ पे, सोनिया, श्रीमती सोनिया गांधी इटली से आई हैं, हमारा आना जाना है वहाँ पे, ससुराल है, और ससुराल के आदमी आके और हमारे यहाँ दो मछुआरों को मार दिया, तो सजा तो मिलेगी ना। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे तो कोई अंध है नहीं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है और आपकी भी धैर्य सीमा है। इंडिया में गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया का इस बचाव के अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्राधिकरण ने। आज का लास्ट हमारा शेर के माध्यम से हम इस काम को समाप्त करेंगे, शेर सुनेगा बड़ा अच्छा है। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले बट तजुर्बा तो नया होगा, हमें कुछ मिले या ना मिले बट तजुर्बा नया होगा। तो धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। सभी कह रहे बहुत ही अच्छा, स्वीटी कह रही है नॉलेजेबल वीडियो था। डियर स्टूडेंट हम आपके आशाओं पर हमेशा 15 साल से खड़े उतरते रहे और खड़े उतरेंगे। PDF कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।